अरे काटू माँ, छोड़ो ना। अरे यार जल्दी बुला ना उसे, इतनी देर हो रही है ना। यार वो देख वहाँ बहुत मुझे वहाँ जाने का बहुत मन है। बहुत क्यों नहीं आ रही है ये रानी? मैडम का फोन है, रुको। हम गलत काम करने जा रहे हैं ना, तो सोचा भगवान से पहले ही माफी मांग लूं। कौन कहता है गलत है, सभी करते हैं। चल अच्छा ठीक है, चल चल। सब बियर लेंगे ना? हाँ, तीन बियर के बॉक्स और एक राम की पार्टी होगी। अच्छा को जमकर पिएंगे। फेवर्ड मस्त है यार। ये ले देख कितने हुए। ए तुझे बोला क्या देने के लिए, तू रख मैं देती हूँ। ए ये बियर के बॉक्सेस गाड़ी में डाल दे। उन तीन बियर के बॉक्सेस के साथ ये कार्ड फ्री है। सुपर, थैंक यू। इससे ये वाला अच्छा है ना? चलो यार। अरे चलो। हाँ हाँ चलो चलो। हाय बेब्स, क्या लग रही है, क्या क्या चाल है। तो बैक पर हाथ लगा कर दिखा, तू बियर दिलाया क्या? एक दो नहीं तीन तीन दिलाऊंगा, पहले मार के तो दिखा। ठीक है ठीक है, अपनी तरफ करके आता हूँ। स्टेशन बालाजी वाइन शॉप के बाहर लफड़ा हो रहा है। Thank you.
जाओ जल्दी। ये क्या सर, ये लोग तो खुद ही आकर गाड़ी में बैठ गए। 3 महीने से ढूंढ रहा था इन लोगों को। तुम्हारी ये हालत किसने की? पूरे मुंह का होलिया ही बिगड़ गया है। उन्होंने मारा क्या? बाकी के पिल्ले कहाँ? सीट के नीचे छुप गया? रुको रुको अभी आता। ये लड़कियों ने मारा क्या? कमीने। ए, क्या लफड़ा चल रहा है यार? ये लड़के पीकर हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे इसलिए होट डाला। तुम्हारा नाम क्या है? सपना। और तुम्हारा? अपर्णा। कल्पना। तुम्हारा? मेनका त्रिवेणी। तुम लोगों को देख के हम 5 फिल्म की याद आ गई। अगर मैं डायरेक्टर होता ना तो सबको लेकर एक और फिल्म बनाता। मेरा मतलब है सबका स्क्रीन टेस्ट लेता। यहाँ पर क्यों आ गए? गुड मॉर्निंग सर। क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम लोगों को मैं आती हूँ। इन 5 लड़कियों ने मिलकर के इनका मार मार के मुंह तोड़ दिया है सर। इन्होंने? ठीक है, मैं उन्हें दे रही। प्लीज इधर आइए। मुझे बुलाया? हेलो सर। नमस्ते सर। यहीं पर है सर। क्या है सर? क्या हुआ? कमिश्नर साहब है सर। कौन है? इन्हें छोड़ने के लिए कह रहे हैं सर। ठीक है, जाने देना, छोड़िए सर। मैडम आप सब जा सकती हैं। सर इनका क्या करना? चलो रे। और तुम ना चलते हैं। उनको नहीं छोड़कर हम भी थाने जा रहे हैं सर। ओके सर। ओके। हेलो। क्या हुआ सर? हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। आप बहुत ही हैंडसम है, बस थोड़ी पैंट ढीली पहनी है। ध्यान रखिए कहीं उतर ना जाए। नमस्ते सर। नमस्ते। ये बार हमारे बॉस का है सर। यहाँ कुछ लफड़ा हुआ क्या? उन लड़कियों ने तेरे आदमियों को मारा। सर एक मिनट। हाँ तू ना उन लोगों का ठिकाना दिख कर आ। ठीक है, जा। ठीक है, वो किधर जा रहा है? सर कुछ काम से घर भेज रहा हूँ उसे। नाम क्या? सर विजय है सर। सर हमारे आदमियों को उन्हें छोड़ दिया। एक गाड़ी निकाल। थैंक यू सर। अरे काटू मार, छोड़ो ना। अरे यार जल्दी बुला ना उसे, इतनी देर हो रही है ना। यार वो देख वहाँ बहुत मुझे वहाँ जाने का बहुत मन है। वो क्यों नहीं आ रही है? ये रानी ना क्या हो गया? अरे छोड़ो। मैडम का फोन है, रुको। हेलो क्या कर रही है तू? कब से हम गेट के पास वेट कर रहे हैं? जल्दी आ और गेट खोल। मैडम, अरे मैडम आ गई है। अरे कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं नहीं, अरे वो गेट के बाहर है। तुम जल्दी से निकलो यहाँ से, जाओ। कहाँ ना गेट के सामने है वो। पहनो पहनो ना। अरे अरे तुम खराब कर रही हो। देखो तुम बहुत गलत कर रही हो जानू। जानू वानू करना छोड़ो और निकलो। पहनो, ये तुम्हारा फोन है, लो लो ना। मेरा फोन कहाँ गया? देखो 5 मिनट में एडजस्ट कर लूंगा। अरे जाओ बोला ना। जानू जाओ, जाओ। प्लीज, प्लीज।
इतनी देर से अंदर कर क्या रही थी तू? मैडम अचानक से आग लग गई थी। आधे घंटे से हम लोग यहाँ बाहर वेट कर रहे हैं। लगा अच्छा सुन, गेट बंद करके जल्दी से आ। गाड़ी में सामान है, उतार रहे हैं। ठीक है मैडम। रानी? हाँ मैडम बताइए। सामान लेकर आओ। हाँ ओके। हाँ मैं लेकर आती हूँ। ये औरतें कितना पीती हैं। हम स्विम भी कर सकते हैं बिकिनी पहनकर। हम लोग जस्ट पहुंचे। रानी को लेकर हम लोग टोटल 6 लोग हैं। काम कंप्लीट होने में 6-7 बज सकते हैं। आप करीब 7:30 बजे तक आ जाएंगे। मैडम जी ये छुरी रख दीजिए, इसमें बहुत धार है, बेकार में हाथ कट जाएगा। ठीक है जल्दी से खाना बना दो। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई रियली लव्ड इट। ए कहाँ थी तू? अरे हाँ चेंज कर लिया तूने? अरे हाँ यार बहुत टाइट थी यार, इसलिए चेंज कर लिया मैंने। तू बाद में भी कर सकती थी ये।
एक ही आदमी का है ना? बिल्कुल, वो लंदन में रहते हैं, साल में एक ही बार आते हैं। आई सी। हे, पहले जमाने में मर्द लोग औरतों को रखा करते थे। पहले के जमाने में क्यों, इस जमाने में भी रखा करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम पांचों मिलकर किसी मर्द को रखे क्या? क्या, मैं समझी नहीं। रखना मतलब? रखना मतलब साथ रखना। मतलब रखना। यार वहाँ फाइट करके मैं बहुत थक गई हूँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके, भूख नहीं लग रही है क्या? हम यहाँ दारू पीकर एंजॉय करने आए हैं। खाना खाने के बाद कोई दारू पीता है क्या? जल्दी ला रानी। हाँ मैडम। दो। यार सपना, तेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए? अब क्या कहूँ यार, खाने की थाली सजाकर परोसती हूँ, फिर भी वो ग्लव्स पहनकर खाना खाते हैं। अगली बार उन ग्लव्स में छेद करके खाना खिलाइएगा। ए, तू जा अपना काम कर। बढ़िया ही राय देने वाली। सुपर्ब। तो चलो बियर पीते हैं ना? अरे बियर गर्म हो गई थी ना, इसलिए फ्रिज में रख दी है। क्या? ए, 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 मेरी राम बाहर ही रखना। त्रिवेणी। हाँ ओके ओके। बियर कोल्ड होने में टाइम लगेगा, मेरे हाथ में खुजली हो रही है। रमी खेले क्या? तो हर चीज में उतावली रहती है। चल चल खेलते हैं। हे, सुपर कूल आइडिया। ओके, प्ले 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 प्ले। ओपन 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 ओपन। ये बाज नहीं आएगा। सॉरी सॉरी कह के 1000 बार मैसेज भेज चुका है। हेलो, बेकार में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, लाओ अपना मोबाइल लो। मोबाइल हाथ में रहेगा तो कोई भी ठीक से नहीं खेलेगा। ओके, मुझे दे। यहाँ रख देती हूँ, शफल करो जल्दी। हाँ कर रही हूँ। नाउ इट्स गुड। ए रुको रुको रुको। क्या हुआ? खेलना नहीं आता क्या? हेलो, मैं हर खेल की अच्छी परफॉर्मर हूँ समझी। इसे बिना सोना नहीं चमकता। उसी तरह सुहाग रात के दिन पति शांत नहीं रहता। मतलब शादी के बिना ना बनो मम्मी, बेटिंग के बिना ना खेलो रामी। ठीक है, बोलो शर्त क्या है मैडम? मैं बताती हूँ, जो जो हारेगा वो अपनी सुहाग रात की स्टोरी बताएगा। हाँ, ओके ओके। मुझे थोड़ी सी शर्म आएगी, फिर भी चलेगा। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अखाड़े में उतरने के बाद मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। मैडम कुछ चाहिए था? जब जरूरत होगी बुला लूंगी, जाओ अभी। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं खेलूंगी। यार खेलना। ओके, मैंने हारना नहीं सीखा, चलो खेलते हैं। आई एम रेडी। एक बार जो हार गया वो गेम से आउट हो जाएगा, ठीक है ना? है। मेरे 2। मेरा 15। धत, मेरा विकेट पहले गिर गया। अब जब गिर ही चुका है तो शुरू हो जा, बताना अपनी कहानी। बताना जरूरी है, चाहिए तो गाना सुना देती हूँ। गाना ही सुनना होता तो ईयरफोन लगाकर नहीं सुनती क्या? यार शर्मा मत, बिंदास बोलना। अब बोल भी दे यार। हे कम ऑन यार। हाँ, उस दिन मैं दूध लेकर गई और आवा बैठो। सेल्फी ले क्या? अपने बलून की फैक्ट्री है ना, तो अपने लड़कों ने ये सब डेकोरेट किया है, अच्छा है ना? अरे यार, तूने अपने पति को दूध नहीं पिलाया? ए,
चुप बैठ, मैं सब बताती हूँ। बलून है। इस तरह से तो मुझे नहीं लगता कि कोई बलून बचा होगा। वो सब रहने दे तू। वो ग्लास वाला दूध किसने पिया? ग्लास वाला दूध मैंने पिया और उन्होंने समझ गई। तो दूध का टेस्ट कैसा था? हेलो, दूध का टेस्ट बेशक अलग हो सकता है, लेकिन पीने का स्टाइल सबका एक जैसा है और तुझे भी इसका एक्सपीरियंस जरूर होगा। ठीक है, चल अब गेम शुरू कर। बेकार पत्ते शो। यार तू इतनी जल्दी शो कैसे करती है? मैं हर चीज में फास्ट हूँ। और उसमें भी क्या? इस बार मैं हार गई। तो वो चांदनी रात साजन के साथ कैसी गुजरी? हाँ, बैठो बैठो, लो पियो, ये पूरा तुम पी जाओ। ये मेरे लिए है। क्या है ये? पान, पलंग तोड़ पान। इससे क्या होता है? इससे पलंग को तोड़ा जाता है। वो कैसे? आ जाओ बताता हूँ। वो दिन आज भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। ये रोज का था क्या? तो तूने क्या करने का सोचा? हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दूर भागती रहती हूँ। रात होते ही शेर की तरह टूट पड़ता होगा ना? अरे उनका रात क्या दिन क्या सब कुछ एक ही है। वाव सुपर। ए, ये पान कहाँ मिलता है रे? क्यों? अरे कहाँ है ये? अरे क्या कर रही है? अरे अरे पार्टी का फोन है। अरे क्या हुआ है? अरे अरे क्या समझ रखा है मुझे? मतलब रेती सीमेंट मिक्स करके तूने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है? और नहीं तो क्या, सब्र की भी एक हद होती है यार। वही आखिरी था, उसके बाद आज तक उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर फोन पर बात नहीं की। चलता यार। तो बंधन है तो समझो ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्लीज राजा, चलना चलना प्लीज, कंट्रोल नहीं हो रहा। बाद में आऊंगी ना। प्लीज, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अरे छोड़ो ना। देख अब अगर तू नहीं मानी ना तो एक एक करके सबका खून कर दूंगा, फिर मत कहना कि तुमने मुझे बताया नहीं। पागल हो क्या? अरे वो आ जाएंगे, छोड़ो ना। रुकना रुकना, कम से कम एक पप्पी तो दे दे।
ड्रमी, हॉट ड्रमी, टब्स। हे, पत्ते क्या है बताना चाहिए था ना। अरे ये दिखाई नहीं रही। हाँ, सब दिखा देगी खोल के। अरे तुझे देखना चाहिए था ना। हार गया। अब सुनो, मेरी फर्स्ट नाइट तो सुपर डुपर थी। बैठक ही मारता रहा क्या? वाओ, डिप्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6। डन बैठक, डन बैठक, यही करता रहा ना। डिप्स मारते मारते मुझे देखता रहा और फिर मारते मारते खुद की बॉडी भी देखता रहा। उसके बाद? उसके बाद क्या, जितना सब्र करना था किया। उसके बाद तेरा बैल कैसा है? सिंग बहुत मारता है या उठा के पटकता है? हाँ, छोड़ ना यार, वो एक नंबर का हटेला है। जोश में आते ही सिंग मारता है। Sometimes निशाना चूक कर कहीं और ही लग जाता है। सुबह आकर इसके फ्रेंड्स इसे पूछते हैं परफॉर्मेंस कैसा था, तो ये कहता है बहुत अच्छा था। हमसे पूछना चाहिए था ना, हम बताते कि परफॉर्मेंस ऐसा था कि कैसा था। ठीक है, ठीक है, ये खत्म हो गया ना, अब चलो बियर पीते हैं। थोड़ा रुक जा, बियर बाद में लेंगे, थोड़ा और चिल होने दे। हम चारों ने तो अपनी अपनी सुहागरात की कहानियां शेयर कर दी है, अब बची है तो सिर्फ ये कल्पना। शर्त ये थी कि हारने वाले अपनी कहानी सुनाएंगे। मैं तो जीत चुकी हूँ, मैं नहीं बताऊंगी। हम यहाँ कोई शर्त लगाने नहीं आए हैं, हम तो बस एंजॉय करने आए हैं। हमने भी बताया ना, मेरी कहानी अच्छी नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी। तू मना करेगी और हम छोड़ देंगे क्या? और क्या, हमने भी तो बताया ना। देखो तुम इतना सोचो मत, हाँ जो भी है बिंदास बता दो। मुझे फोर्स मत करो प्लीज। ये क्या बात हुई यार, हम किसी को बताने जा रहे हैं क्या? अरे बोलना, सबका कुछ ना कुछ होता ही है ना। बताना, बोलना यार, बताना यार, बोलना यार, बोलना यार, यू हैव टू टेल, बताना। कल्पना, कल्पना, कल्पना। हाय, लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। तुम्हें बोली, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बता सकता हूँ? तुम चाहो तो इसे मेरा कन्फेशन समझ सकती हो। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उससे शादी भी करना चाहता था, हम दोनों के बीच में रिलेशन भी बन गया था, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने किसी और से शादी कर ली। मेरी तो शादी करने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरा मन बदल गया है। मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ, शादी से पहले मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी, हम 3 साल साथ रहे, सब कुछ ठीक था, आपकी तरह मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों अचानक से उसका मन बदल गया और फिर उसने मुझे छोड़ दिया। इसके बाद उसने किसी और से शादी कर ली, उससे पूछने पर कोई जवाब नहीं मिला, फिर मैं भी उसे भूल गई। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, अब हमारे मन पे कभी कोई बोझ नहीं रहेगा। लेकिन अब मुझे आपके साथ जिंदगी नहीं गुजारनी है, मैं चाहती थी कि मैं जितनी पवित्र हूँ मेरा पति भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। ये प्यार मोहब्बत, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ,
मेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं आया, अब इस शादी का कोई मतलब नहीं है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। कल्पना, रो मत यार, चुप हो जा। वाह, इतनी सी बात के लिए तूने उसे छोड़ दिया, उसे कितना बुरा लगा होगा। अगर यही काम एक औरत करती तो चलता क्या? तो फिर क्या सोचा है तूने? अपना दर्द बांटने के लिए मेरे पास मेरी माँ भी नहीं है, पापा की उम्र हो गई थी, ऊपर से वो बीमार थे और उन्हीं की वजह से मैंने जबरदस्ती शादी की थी, और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। इतने दिन मैं उन्हीं के लिए चुप बैठी थी, डिवोर्स का केस भी चल रहा है और कल फैसला होने वाला है। जिंदगी जो है वो एक पौधे की तरह है, उम्र बढ़ाने के लिए उसका ख्याल रखना पड़ता है, अगर जड़ें मजबूत होगी तभी तो वो टिकेगा। गलत मत समझ यार, कल को उम्र होने पर तुम्हें अकेलापन बहुत सताएगा। ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब है जिसमें सुकून ना हो, खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। मुझे लगता है इस मामले में उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो तुझे पूरी सच्चाई बता दी ना, तो उन्हें माफ कर दे यार। वैसे एक बात तो सच है, जिसने कभी गलती ना की हो वो एक न एक दिन गलती जरूर करता है, पर जो अपनी गलती कबूल करता है वो गलती दोबारा नहीं करता। सही बात, अपनी गलतियों को मानकर उन्होंने अपनी अच्छाइयों का सबूत दिया है, उन्हें माफ करके उनके साथ रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि पति के सहारे के बगैर इस कठोर समाज में जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल होगा। ए छोड़ ना यार, इसका पति गधा है। ए मेनका, जरा चुप बैठ, कहाँ क्या बोलना चाहिए तुझे पता नहीं है क्या? तो और क्या बोलूं? उसने अपनी गलती मान ली और ये जिद करके बैठी हुई है। देखो यार, मुझे इस समाज से कोई मतलब नहीं है, मैं सीता जैसी हूँ इसलिए मुझे श्री राम जैसे ही पति चाहिए। अगर सभी लड़कियों को इसके जैसे राम जी चाहिए होते ना तो इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। हा? मैं यहाँ आई थी एंजॉय करने के लिए, अगर तुम लोग मुझे इसी तरह परेशान करती रही तो मैं चली जाऊंगी। बस 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 बस, इस मैटर को चेंज करते हैं। ओके। ए, इसकी सैड स्टोरी सुन के ना मेरा मूड खराब हो गया, मुझे कोई एंजॉय नहीं करना। ए मेनका, अरे छोड़ मेनका, मेनका ए जाने दे जाने दे, चिल्लाने से सब सच लगता है, इसका भी मैटर कुछ ऐसा ही लगता है, नौटंकी बाज है, अंदर गई होगी पीने के लिए। शुरू करें क्या? अरे यार, इस बियर से तो के नहीं लग रहा है, वैसे भी अपनी मेनका का ग्लास तो यही पड़ा हुआ है, आइस क्यूब लेकर आती हूँ। इसे देख, इसे देख, ये कोको कोला आइस क्यूब है। इसे डालकर पीने का मजा ही कुछ और है। आई लाइक दिस। अबे कितना घुमाएगा, घर कहाँ है बे? यही है बॉस। ओ ठीक है ठीक है, यही आए थे ना? हाँ यही आए थे। ठीक है, काम खत्म होते ही फोन करूंगा, अब तू जा। मैं भी चलता हूँ ना बॉस। मेरा नाम तुझे पता है ना? हाँ, पता है बॉस। तो फिर निकल, वो लोग बहुत खतरनाक है बॉस, मैं वो सब देख लूंगा, तू निकल यहाँ से। बॉस काम होते ही फोन कर देना बॉस। Thank you.
अरे क्या चाहिए तुझे? मुझे खाना चाहिए, भूख लगी यार। सर मत, क्या हुआ यार? प्याज और खीरा भी लेकर आना। लाती हूँ मैडम। खाना आ गया है, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। जल्दी लेकर आ। हाँ अभी लाई। उसे मैं लेकर आती हूँ। अब तू कहाँ चल दी? आती हूँ मैं उसे। मैं अरे क्या लेकर आती हूँ। अपर्णा, 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 तुझे क्या हुआ यार? ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, जा रही है, आ रही है, कर क्या रही है तू? ये बहुत भूख लगी यार, चल ना खाते हैं। रुक ना यार, एक के बाद एक सब जा रहे हैं, सबको आ जाने दे फिर खाएंगे। जवानी फूटते ही शादी कर लेनी चाहिए, शादी करते ही बच्चे पैदा कर लेने चाहिए, और बच्चा पैदा करते ही ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अब खाना आ गया तो खाना खा लेते हैं ना यार। अच्छा रुक, मैं आई, तुझे खाना है तो खा ले, ओके? मैं ही जाकर देखती हूँ कहाँ है दोनों। तो खा, मैं आती हूँ। मैं भी आती हूँ, चलो। ठीक है, आना है तो आ जा। ए तू भी चल ना। ए चल ना यार। अरे चल, हाँ चल। मैडम मैं जरा घर होकर आती हूँ। बाहर से दरवाजा बंद करके जा रही हूँ। जाओ, बोला ना। इधर आओ। सपना, 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 अम्मा, सपना क्या हुआ? सपना क्या हुआ? सपना, सपना, सपना ये क्या हुआ? क्या सपना? क्या हुआ? देखो सपना ऐसे। Ah!
क्या करूँ अब मैं, क्या करूँ, जिंदा नहीं बचूंगी, यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, अपने घर चली जाती हूँ। कल्पना, कल्पना, दरवाजा खोलो।
हेलो कल्पना, क्या हुआ कल्पना? बोलो ना कल्पना। तेजस। हाँ बोलो ना। आ रहा हूँ कल्पना, यही गेट के पास ही पहुंचाओ, दो मिनट में आ रहा हूँ। हाँ सुनो, फोन बिल्कुल मत काटना, मैं सुनता रहूंगा। मैंने कहा ना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ आ रहा हूँ कल्पना। तुम घर पे ही हो ना? मैं घर के पास पहुंच गया हूँ। हाँ कल्पना रुको, आ रहा हूँ। हाँ पहुंच गया, बस अंदर आ रहा हूँ। कल्पना, कल्पना तुम कहाँ हो कल्पना? मैं किचन में हूँ, मैं बाहर आ रही हूँ। कहाँ हो? मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। तुम कहाँ हो? मैं मेन डोर के पास हूँ कल्पना। कहाँ है? कहाँ तो कोई नहीं है। सपना यही पड़ी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चलो वो यही थी, तेजस को यही थी। यहाँ तो कोई नहीं है। सपना यही थी। उठो, उठो।
किसी की बॉडी नहीं है, यहाँ कोई सफर नहीं है। आओ मैं दिखाती हूँ, जब हम तीनों यहाँ आए थे तो फिर हमने देखा कि अपर्णा यहीं पर पड़ी हुई थी। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, चलो आओ मेरे साथ, यहाँ देखो, उस पर भरोसा करो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, चलो देखो तुम, यहीं पर अपर्णा की लाश थी। अपर्णा यहाँ नहीं है, कोई अपर्णा नहीं है यहाँ, ये सब तुम्हारा वहम होगा। अपर्णा की लाश यहीं पर थी, मैंने कहा ना कोई नहीं है, गला काट दिया था, वो यहीं पड़ी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कल्पना, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, रो मत और मेरे साथ चलो टेरेस पर, ठीक है? देखते हैं कि लाश पड़ी हुई है, चलो रो मत, मैं हूँ ना। हम पुलिस को फोन कर रहे थे तब किसी ने हमें धक्का मारा और फिर मेनिका भागी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो भागते भागते टेरेस पर चली गई और फिर मैंने जो देखा वो ठीक है, देखते हैं, तुम शांत हो जाओ। मैंने उसे कितनी आवाज लगाई पर उसने मेरी एक ना सुनी। प्लीज पहले तुम रोना बंद। और जब मैंने ऊपर जाकर देखा तो वो मरी पड़ी हुई थी। चलो देखते हैं। यही पड़ी थी उसकी लाश, उसे जिस डंडे से मारा था वो डंडा भी यही पड़ा था। देखो ना, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है कल्पना, तुम यहाँ पर अकेली आई हो ना, ये तुम्हारा वहम है, यहाँ ना कोई आया है ना कोई गया है। ए, उसकी लाश यही पड़ी हुई थी, मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? बस करो कल्पना, बस करो। ठीक है चलो घर चलकर बात करते हैं। नीचे रानी की भी लाश मैं दिखाती हूँ, चलो। ठीक है वहाँ भी देख लेते हैं। मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना, आओ दिखाती हूँ। ठीक है चलो, आओ। कहाँ है, दिखाओ मुझे। विश्वास नहीं हो रहा है ना, दिखाओ, दिखाओ। दिखाती हूँ, देखो वहाँ रानी पड़ी हुई है। वहाँ तो कोई भी नहीं है कल्पना, देखो तो सही, कोई नहीं। नहीं मैं नहीं देखूंगी, नहीं। ठीक है तो वहाँ थी बस। देखो अब तुम शांत हो जाओ, मैंने कहा ना वो थी, चलो चलो अंदर चलो, जिद मत करो, चलो चलो मेरे साथ चलो, आओ कल्पना चलो, बैठो बैठो बैठ जाओ। देखो कल्पना, यहाँ कोई आत्मा वात्मा नहीं है, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं आया, यहाँ पर अकेले रहते रहते तुम्हें लगने लगा कि सब लोग तुम्हारे साथ हैं। एक काम करो, सुबह से क्या क्या हुआ वो सब याद करो। ठीक है तुम्हारे हिसाब से सब मरे हैं ना, तो त्रिवेणी कहाँ है? अगर मैं आने में देर कर देता तो तुम्हारे लिए त्रिवेणी भी मर जाती, यही बात है ना? और अगर थोड़े दिन ऐसे ही रहोगी तो मुश्किल हो जाएगी, मेरी बात मानो, यहाँ कोई नहीं आया और ना ही कोई मरा है, यहाँ सिर्फ तुम अकेली हो। चाहो तो एक बार फिर से पूरा घर छान लेते हैं, एक बात कन्फर्म है, अगर तुम अकेली रहोगी ना तो सच में पागल हो जाओगी। आओ घर चलते हैं।
अंदर चलो। ऐसा क्यों किया यही सोच रही हो ना? तुम्हारा पति तेजस हम लोगों के पास आया और उसने हमसे कहा कि कल्पना से उसका पैचअप करवा दे। फिर हमने तुम्हें समझा बुझाकर मनाने की कोशिश की मगर तुम नहीं माने। फिर तेजस और हमने मिलकर ये छोटा सा नाटक किया ताकि तुम और तेजस फिर से एक हो जाओ। अब तुम दोनों हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताओ। ऐसे मैं क्या देख रही हो तुम? दोनों को मिलाने के लिए ही ये सब नाटक किया हम लोगों ने। पुरानी बातें भूलकर वो आधे में जो सुहागरात रुक गई थी ना, उसे आज पूरी कर लो। अगर हम लोग यही रहेंगे तो ये दोनों सुहागरात कैसे मनाएंगे? चलो चलो चलो। मुझे एक मिनट, बातें कम कीजिए और काम ज्यादा कीजिए। हाय सर, आप बहुत ही हैंडसम है पर पैंट थोड़ी ढीली पहनी है, ध्यान रखिएगा कहीं उतर न जाए। क्या कर रहे सर? सर ऐसा मत कीजिए सर, छोड़िए सर, ऐसा मत कीजिए सर, नहीं नहीं सर ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज ऐसा नहीं कीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे छुट्टी मत सर। कहाँ गए वो लोग? उसी फॉर्म हाउस में गए। सच सच बताओ। हाँ कसम मैं सच कह रहा हूँ सर। नहीं नहीं तो चाय मैडम। मैडम जी वहाँ ऊपर जाकर उन्हें मैं चाय देकर आ जाऊँ? पूरे एक साल बाद दोनों अब जाकर मिले हैं, इस गैप को भरना बहुत जरूरी है। तू ये सब नहीं समझेगी, तू जा। जी मैडम।
मैंने कहा वो देखो आ गई वो। हाय, इतनी जल्दी उठ गई तू? हमारे लिए दो कॉफी भेज दो ना। तुम्हारे लिए ना कॉफी, नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ ऊपर आ जाएगा। यू प्लीज कंटिन्यू। थोड़े दिनों में पेट भी आ जाएगा। दीदी मुझे भी एक कॉफी पिला दो, मैं रात भर सो नहीं पाया। कौन है तू? कौन है तू बता? क्यों आया यहाँ? बता रहा क्यों आया? ए, बताएगा भी तू? ए, इस तरह घूर क्यों रहा है? बात क्या है, क्यों आया है यहाँ? वो कल आपने जिन्हें मारा ना, मैं उनका बॉस हूँ। अरे उन सभी थकेले लोगों का तू ही बॉस है क्या? यहाँ क्यों आया बता ना। कुछ पूछ रहे ना तुझसे, जल्दी बता। अगर बताऊंगा तो तुम लोग मुझे मारोगे। अगर नहीं बताएगा तो मारेंगे ना। बताता हूँ। तो मैं सबको, हम सबको क्या, मैं सबको मारने आया था यहाँ पर। हाँ? दूसरा कुछ करने तो नहीं आया था ना? माँ कसम नहीं दीदी, मैं तो मर्डर किंग हूँ, मैं सिर्फ आप लोग को मारने आया था बस। मारने आया था तो मारना, मारा क्यों नहीं? ये बहन दरवाजा खुला रखकर हिल डुल रही थी और मैं इन्हें देखता ही रह गया। कैसी हिल डुल रही थी वो? छोड़ो ना दीदी, बहुत दर्द हो रहा है, दिखाता हूँ क्या कर रही थी। क्यों बे, हमें मारा क्यों नहीं फिर? वो क्या हुआ कि मैं मारने के लिए अंदर तो आ गया था, फिर सोचा कि सब लोग एक एक करके टॉयलेट के पास आएंगे, इसलिए मैं वहां छुप गया। पहले ये दीदी आई, वो बाथरूम में गई और दरवाजा बंद कर दिया। फिर एक आवाज आई और दरवाजा खुल गया, अंदर जाकर देखा तो मैंने वहां देखा उनका किसी ने गला काट दिया था। मैं वहां से जैसे ही भागा, ये दीदी अपर्णा अपर्णा बुलाते हुए आई और फिर अपने चेहरे को कवर से ढककर खुद को ही उसने मार दिया। पास देखने गया तो डर गया। मैं वहां से भागने के बारे में सोच ही रहा था कि आप तीनों वहां आए और उन्हें मरा पड़ा देखकर चिल्लाने लगे और उसके बाद लाइट चली गई। उसके बाद तीनों ने किसी को फोन लगाया, शायद पुलिस को फोन लगाया। मैं घर से बाहर निकलना चाह रहा था पर दरवाजा बंद था। और फिर डर के मारे आप लोगों को धक्का देकर भाग गया। अबे चले हुए मुंगफली, मतलब अंधेरे में मेरे बैग में तू ही मार के भागा। वहां से भागकर मैं छत पर छुप गया और तभी ये दीदी आई। है यार? वो कह रही थी कि उसे डंडा खून नहीं मिल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे उस वक्त लगा कि तुम सब लोग पागल हो। फिर ये दीदी अचानक गिर पड़ी। बाद में ये दीदी जो आई, लगा कि दुर्गा माँ और काली माँ सब साथ में आ गई। आपको देखकर मैं डर ही गया। इन्होंने जैसे ही डंडा उठाया और चिल्लाना शुरू किया, मुझे लगा कि मेरी कहानी खत्म और मैं डर के मारे छत के और ऊपर चला गया। माना कि तू छत पे चला गया पर इनके रूम में फिल्म निकालने गया था। सच में मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे तो सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी। उतने में ला 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 ला